मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेरशाह गुजरे के साथ एक संदिग्ध हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शेरशाह गुजरे ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था, जिसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। शेरशाह गुजरे 24 घंटे से अधिक देर तक अपने घर में बंद रहे, जिसके बाद रविवार रात करीब 8 बजे कोतवाली पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाला। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार गुजरे चंदेरी में पदस्थ हैं और वह अशोकनगर शहर की ओम कॉलोनी के एक घर में किराए से रहते हैं। इनकी पत्नी मायके गई हुई थी, इसी बीच गुजरे ने खुद को घर के अंदर ही बंद कर लिया। वह किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं आए। इनका गाड़ी का चालक जब शाम को उनके घर पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो ड्राइवर ने गुजरे की पत्नी को सूचना दी, जिसके बाद पत्नी मायके से लौटकर आई और उन्होंने पुलिस को अवगत कराया। शाम को 4 बजे तक उनके द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया है, तो उसकी जांच के लिए हमने हमारे कर्मचारी भेजे थे, तो पता चला कि दरवाजा अंदर से लॉक है और अंदर से सिर्फ पंखे चलने की आवाज़ आ रही है और बाकी सारी शांति थी। तो फिर हमने फिर संबंधित SDM साहब को भी बताया, सभी को बताया, तो उन्होंने बोला कि परिवारजनों को आ जाने दो और पुलिस की सहायता से फिर दरवाज़ा खुलवाएंगे। तभी शाम को दरवाज़ा खुलवाया गया तो उनकी गंभीर स्थिति में पाए गए, वो बेहोशी की स्थिति में पाए गए, तो उनको तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया गया और यहाँ पे ICU में ही भर्ती है। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा सा BP ज्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बता दें कोतवाली TI ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर गुजरे को बाहर निकाला। TI त्रिपाठी ने बताया कि शेरशाह गुजरे की हालत खराब थी, उन्हें जिला अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है। इधर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेरशाह गुजरे के इस तरह की हालत में मिलने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।